you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी रात के बजे हैं 8:30 और लाइट चली गई. इन्वर्टर का कनेक्शन से चल रहा है और बाहर हो रही है तेज़ बारिश, जो अंधेरा में दिखेगा नहीं क्योंकि कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है. तो जब हमारा आईफोन आ जाएगा तब आपको सिनेमैटिक शॉट बहुत ही अच्छा दिखाएंगे. तो निकिता पका रही है अपने मम्मी पापा के लिए रोटी और मेरे मम्मी पापा के लिए रोटी और हम दोनों के लिए रोटी, सभी के लिए बना रहे. तो चलो देखते हैं क्या क्या बन रहा है हमारे डिनर के लिए. तो चलिए, तो इसमें क्या क्या है? कद्दू कद्दू है और कुछ नहीं. और इधर रखा है लौकी, बीन्स और गई है आंखों में नींद के साथ. क्या हुआ? तो आज मेरा छुट्टी है, मतलब रेस्ट है. हर एक हफ्ते मेरा एक दिन रेस्ट मिलता है, तो वो रेस्ट है मेरा आज. तो अभी बनेगा चाय, ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं आपसे. तो बाय बाय. तो अभी बन रहा है रोटी और चाय तो अभी बना नहीं है, बनाना पड़ेगा. सुबह पिया था मैंने बना के. हाँ अभी दोबारा पियेंगे. तेल घी तो लाओगे नहीं इस चैनल में? आज ले आऊंगा, मैं जाऊंगी ना उधर उस साइड को. तब लेंगे वो वहाँ से, डेरी से ओरिजिनल देते हैं फ्रेश शुद्ध देसी घी. सो अभी आज चलेंगे नानक मत्ता. हाँ मतलब रोटी पोड़ाई खाई, मतलब मैं जला देती हूँ. अभी चीजें बनाना पड़ रहा है, कुछ है नहीं. रिफाइंड भी खत्म हो गया. रिफाइंड से अच्छा घी देंगे, घी से सही होता है, सॉफ्ट होता है. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. अभी सुबह के बजे हैं 10 और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है. हस्बैंड ने रात का थोड़ा सा सब्जी बचा था उससे चलाया, मैंने चाय एंड रोटी वो खाया. और अभी मुझे थोड़ा बहुत करना है काम, उसके बाद तैयार होके चलना है. पूछा करना है, कुछ कपड़े हैं उनको धोने हैं, पूजा करना है. बस ये तीन काम करके मुझे फटाफट से निकल जाना है. बाहर हो रही है बारिश, छिटपिट करके बारिश हो रही है, बट देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं, अभी भी कन्फर्म नहीं है हमने. ठीक है, तो मैं पहले तो काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. ठीक है, मेरा नहाना पूजा करना सारा काम हो चुका है, बस नहीं बनाया खाना क्योंकि हम जाएंगे थोड़ा नानक मत्ता, क्योंकि वहाँ का लंगर अगर ना खाओ ना तो नानक मत्ता घूमने का कोई मतलब नहीं हुआ है. सीरियसली मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि यार तुम क्यों खाते हो क्यों खाते हो लंगर, इनको पता नहीं क्या है. और मेरे को मतलब वो ना खाओ ना तो मतलब सही में पेट में ना गुड़गुड़ हो जाती है कि क्यों नहीं खाया हमने. ये सबसे पैंट है हस्बैंड कैसे रखा है, इग्नोरेंट भूत लग रहा है. ठीक है, तो अगर ना खाओ ना
तो एकदम मतलब अजीब सा फील होता है। तो ये वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, वो अजीब फील नहीं करना है। भले ही इंसान खाए चाहे ना खाए, मैं खाऊंगी, मेरे को बहुत पसंद है, आई लव इट। मतलब वहाँ का जो दाल होता है ना, वो एकदम असाधारण टेस्ट, असाधारण। हमें वो टेस्टर उच्चारण करते पारछी ना। आमी जदि आपनादेर मोबाइल दिए खावाते पारतम, ताहले आपनारा बुझते पारतेन कि दाल बानाय ओरा। एत एत मतलब कि बोलबो, अनेक ही टेस्टी दाल बानाय। आर एकटू परे आमरा जाबो एखान थेके, बाइरे हच्छे अनेक बृष्टि। तो मैं थोड़ा बहुत बंगाली, मतलब वो जो शुद्ध बंगला है ना, वो सीख रही हूँ। मतलब सीख तो नहीं रही हूँ, मतलब हाँ बोलते बोलते हो ही जाता है, तो मैं वही थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। और मैं कोशिश भी करूँगी कि मैं बंगला ब्लॉग करूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो बंगाली है, और मैं अपने बंगाली कल्चर में बात करना चाहती हूँ। तो जो भी है, चलो अभी जस्ट मैं अभी पहनूँगी इसको, ये वाला कुर्ती, ये वाला, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, सरप्राइज किया था लाइफ में पहली बार, कोबे कोडी सरम सरप्राइज कोनो दिन जरी करे था तो मैंने देखो एक बार किया था, याद करो कोबे, याद होगा कौन कुर्ता, चलो कहो, दिखाना मैं दिखाऊंगा। अच्छा अब याद आया। हाँ तो ও তো আমি চয়েস করে দিলাম তোমারে, লেকিন এরম টাইপের গিফট তুমি করো নি যে আচানক, আমি তো জানতামও না। তুমি কি কইলে দাবাই আসবে, দাবাই আসার কথা কইছে, কুর্তা আর প্যান্ট চলে আইছে। তো ইয়ে সবচেয়ে বড় মহত্বপূর্ণ वाला গিফটেড হ্যায়, সব গিফট হ্যায় সমঝে, কি তুমনে মেরেকো বাতায়া নি। আর ও वाला ক্যা হ্যায়, তুমনে মুঝে বাতা কে বোলা, বাতা কে বোলা হমনে, मतलब जना के बोला कि हाँ कि ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा, ये ले लो, कैसा लग रहा है समझे। और ये तो मुझे पता भी नहीं, ये तो मुझे पता भी नहीं कि तुमने इतना अच्छा गिफ्ट चॉइस किया मेरे लिए, ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसका लिंक मैं दूंगी नहीं, अमेजोन से लिया है बट मैं इसका लिंक नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया, चाहे लोगों के पास हो चाहे ना हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बट इसका लिंक मैं नहीं दूंगी, सॉरी। मैं इसका लिंक प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मेरे को गिफ्ट दिया, सॉरी गाइस। और मुझे अभी लगाना है नेल पेंट, क्योंकि नेल पेंट ख़राब हो चुका है, पैरों में भी लगाना है, पैर के नेल्स काटने हैं, नहीं तो बड़ा होता है ना तो टूट जाता है, टूटता है तो इस कोने में लगता है, तो वैसे नेल पेंट पैरों में भी लगाना है, और वो भी करना है, क्या करना है, नेल्स भी काटना है। कैसे लेके जाऊँ मैं सोच रही हूँ, कि काफ़ी बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा। अभी इसको स्टिच करवाने के लिए लेके जाना है रितु के पास, थोड़ी देर के बाद जाऊँगी उसके पास मैं स्टिच करवाने, क्योंकि थोड़ा सेमी स्टिच आया है ना, तो सेमी स्टिच, स्टिच का मतलब यह है कि आप कैसा भी अपने साइज़ का बना लो, तो मेरे को अपने साइज़ का बनाना है इसको। तो चलो अभी थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं आपको, अच्छा अभी के लिए बाय।